हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th के रुके हुए एडमिशन्स के बारे में। कब शुरू हो सकते हैं ये एडमिशन? सिर्फ 11th के एडमिशन ही नहीं, तो डिप्लोमा, आईटीआई, ये भी एडमिशन रुके हुए हैं। और इसके अलावा जो जेई मेन्स, नीट, सीईटी के ऊपर जो एग्जाम्स होती है 12th के बाद की, वो सारे एडमिशन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल के रुके हैं। फर्स्ट ईयर आइडोल के एडमिशन रुके हैं, फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेजेस के एडमिशन रुके हैं, जो M.Com, M.Sc होता है उसके फर्स्ट ईयर के एडमिशन रुके हैं, सारे के सारे एडमिशन रुके हुए हैं। आप जानते हैं 9 सितंबर को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण को लेके, जो स्टे आ गया नौकरी और एडमिशन को लेके, तो महाराष्ट्र सरकार जो है मजबूर हो गई, कुछ भी नहीं कर पा रही है महाराष्ट्र सरकार। जो शिक्षा विभाग है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सारे के सारे एडमिशन्स को रोक दिया गया स्टे आने के बाद। लेकिन कोई डेट नहीं आई कि एडमिशन कब चालू होगा। 9 सितंबर के बाद लगभग 1.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब एक आस लगी है 27 अक्टूबर के दिन से। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है मराठा आरक्षण मुद्दे को लेके। जैसे कि आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियोस में मेरे बताया है कि जो 3 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके पास ये सुनवाई हो रही थी मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने इसका फैसला जो है संविधानिक पीठ के पास भेज दिया था। उनको जो कलम 102 है, आर्टिकल 102 है, उसको लेकर जो है, तो जो संवैधानिक पीठ है उनकी तरफ से इस पर विचार विमर्श करके अब जो है इस पर सुनवाई होने वाली है। पूरी तरह से फैसला होगा या नहीं होगा पता नहीं। जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, आपको मैंने ये भी बताया था कि पिछले सितंबर के एंड में जो याचिका दायर की थी कि जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है उस पर जो फैसला हो रहा है ठीक है, लेकिन कम से कम नौकरी और जो प्रवेश यानी एडमिशन्स हैं उसको शुरू करने की इजाज़त दी जाए, उस पर जो लगा हुआ स्टे है वो हटा दिया जाए। तो आने वाले 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जो है सुनवाई होगी कि क्या जो ये एडमिशन शुरू कर दिए जा सकते हैं, या जो नौकरी है उसमें लोगों को जो नौकरी में जो एडमिशन दिए जा सकते हैं नौकरी में या तो कॉलेजेस में। तो मेरा ये मानना है कि 27 अक्टूबर को जो ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर नौकरी को प्राधान्य नहीं भी दिया गया, नौकरी को अलाउ नहीं भी किया गया जॉब्स के लिए गवर्नमेंट के, लेकिन एडमिशन्स के लिए अलाउ कर दिया जाएगा 27 अक्टूबर को। बिकॉज एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 1.5 महीने से एडमिशन रुका है, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। कॉलेजेस कब शुरू होंगे, पढ़ाई कब होगी, बच्चों के एग्जाम्स कब होगी और बच्चे अगली क्लास में कब जाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ 11th का ही नहीं है, तो डिप्लोमा, आईटीआई, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल सब। तो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से ये जो सुनवाई होगी इसमें महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन जो रुके हुए हैं उन्हें शुरू करना ही पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स 27 अक्टूबर को आएगा, ऐसी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। जैसे आपने इतने दिन इंतजार किया, आज 21 अक्टूबर हो गया है, बस 6 दिन और, उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जब फैसला आएगा, स्टे उठा लिया जाएगा एडमिशन से, तो आपका जो पोर्टल है, जैसे 11th एडमिशन के लिए 11thadmission.in जो वेबसाइट है वहाँ पर आपका जो एडमिशन शुरू हो जाएगा। डिप्लोमा की जो वेबसाइट है DTE महाराष्ट्र, वहाँ पर डिप्लोमा के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। सारे के सारे आइडोल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके आइडोल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो बस इंतजार कीजिए, बस 1 हफ्ते और आपके एडमिशन शुरू हो रहे हैं। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई जारी रखें। अगर आप 11th में जा रहे हैं, डिप्लोमा में जा रहे हैं, तो वहाँ पर सिलेबस क्या है, आप जो स्ट्रीम ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सारा अवेलेबल है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एडमिशन तो होना ही है, ठीक है। तो चलो, ये है एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए कि 27 अक्टूबर तक जो है ये सुनवाई होगी 27 अक्टूबर को, उसके बाद आपको गुड न्यूज मिल सकती है, एडमिशन चालू हो सकता है। अब देखते हैं किस तर्ज पर करते हैं SEBC को क्या करते हैं, क्योंकि उनके सामने भी एक बड़ा मैटर है कि एडमिशन में SEBC का जो कोटा है उसको लेना है या उनको ओपन में काउंट करना है। ये फैसला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी वजह से एडमिशन रुके हैं, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देते रहूंगा। मिलते हैं ऐसी और नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। लेकिन ऐसी जानकारियां आप पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। बाय एवरीवन।